हे गाइस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि क्या आप खुश नहीं हैं? अगर नहीं है तो इसके जिम्मेदार आप खुद हो सकते हैं। जाने कैसे, लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना ज़िंदगी का मज़ा नहीं आता है। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए लोग अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। कोई पार्टी करता है तो कोई पिकनिक पर जाता है। इसके अलावा भी कई तरीके लोग खुशी पाने के लिए आजमाते रहते हैं, मगर फिर भी आप एक परमानेंट हैप्पीनेस यानी स्थायी खुशी नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि खुश न रहने का कारण हम खुद और हमारी आदतें भी हो सकती हैं। और ये जानते हैं कि हमारी कौन सी आदतें हमारी खुशी की दुश्मन बन जाती हैं? दूसरों को प्राथमिकता देना, दूसरों की मदद करना, उनका साथ देना, उनके साथ खुश रहना, उनकी केयर करना आदि सभी अच्छी आदतें हैं। मगर दिक्कत तब आने लगती है जब हम दूसरों को प्राथमिकता पर रख देते हैं, क्योंकि दूसरे लोग आपको प्राथमिकता पर नहीं रखते हैं तो आपको दुख होगा। इसके अलावा हो सकता है कि उनकी बातें, सोच और एक्शन आपके दुख का कारण बनती रहें। दूसरा है नयापन न लाना। कई लोग जिंदगी में नयापन नहीं लाते जिससे उनकी ज़िंदगी में वर्तमान रूप से खुश, उत्साह, उत्सुकता आदि चली जाती है और उन्हें दुख होने का कारण देती है। इसलिए कोशिश करें कि आप जीवन में कुछ नया सीखते या करते रहें, नई जगहों पर जाएं, अपने घर को नए तरीके से सजाएं, नए लोगों से मिलें आदि आदि। तीसरा है बड़ी खुशी का इंतज़ार। लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियां नहीं हैं। शायद उनका मतलब उन बड़ी खुशियों से होता है जो सबको आसानी से दिख जाती हैं। उदाहरण के लिए शादी होना, बच्चा होना, बड़ा घर खरीदना, नई नौकरी लगना आदि। मगर ये खुशियां हर रोज़ नहीं मिल सकती, बल्कि आपको जीवन की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे घर वालों के साथ बैठकर बातें करना, उनके साथ कुछ अच्छा खाना, पेड़ पौधे लगाना आदि। चौथा है मानसिक शांति न रखना। जिन लोगों को हमेशा तनाव या चिंता में रहने की आदत होती है वह कभी खुश नहीं रह पाते हैं। उन्हें हमेशा किसी न किसी बात का तनाव रहता ही है। अब बेवजह की बातों पर तनाव या चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपके हाथ में नहीं है वह तो होकर ही रहेगा। तनाव व चिंता भगाने के लिए योग और एक्सरसाइज का सहारा लें। अगला पॉइंट है खुशी के लिए दूसरों पर निर्भरता। देखिए, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ही है और आप ही ऐसा कर सकते हैं। अगर आप अपनी खुशी के लिए किसी खास इंसान या दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो उनकी वजह से दुखी, उदास या चिंतित होने की आशंका भी ज़्यादा रहेगी। तो खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए और जीवन में सबसे पहले खुश रहिए। बाकी चीज़ें सब बाद में आती हैं। रुपया, पैसा, धन दौलत, सक्सेस सब बाद में आती हैं, क्योंकि कोई भी आदमी ये सब क्यों पाना चाहता है? अल्टीमेटली वो क्या करना चाहता है? खुश रहना चाहता है। तो आप खुश रहिए, बाकी की चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। धन्यवाद।